ओम शांति। माननीय वक्ताओं का हम दिल से इस मंच पर स्वागत करते हैं और मैं अपनी बहनों से अनुरोध करूंगी कि फूल और बैजिस के द्वारा माननीय सम्माननीय वक्ताओं का वेलकम करें, अभिनंदन करें। सतीश गुप्ता जी, डॉक्टर रतन राठौड़ जी, आपकी तालियों की आवाज कम रही है। आज के विषय को हमारे बीच में खोलेंगे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज के विषय को हम सबके बीच में रखें। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, ओम शांति। लक्ष्मी दीदी का बहुत बहुत थैंक्स, साथ साथ हमारे चेयरपर्सन का भी बहुत बहुत स्वागत भी है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे साथ ही डॉक्टर रतन राठौर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की सभा में। आप सभी के पास दिल है, सभी के पास दिल है, तो ये जो हम आपके लिए अगले आधा घंटा जो आपको बताया जाएगा, सब दिल वालों को बताएंगे, है ना। जिनके पास दिल ना हो वो ना सुने, जिनके पास दिल है वही सुने, उन्हीं को फ़ायदा होगा। चलिए, मैं आपसे बात करता हूँ 95 की। जब मैं यहाँ पर आया 95 से पहले, मुझे ऐसा, जब हम दिल्ली में कार्य कर रहे थे तो हम देखते थे कि हम लोग इंटरवेंशंस करके भेजते थे लोगों को, बाईपास भी होते थे और उसके बाद भी फिर प्रॉब्लम्स हो जाती थी। उस समय दो ढाई लाख रुपए लगते थे एक एंजियोप्लास्टी बाईपास कराने में, किंतु लोग अपना घर बेच के भी कराते थे। इतने पैसे में तो उनका वो आ जाता था, क्या कहते हैं, एक मकान MIG फ्लैट मिलता था। तो काफ़ी पेशेंट्स मुझे बोलते थे, डॉक्टर साहब अभी हमने पीछे अपना घर बेच के एंजियोप्लास्टी कराई तो अब हम क्या करें। अब आप कहते दोबारा से एंजियोप्लास्टी करा लो या बाईपास करा लो, अभी हम क्या बेचें। तब इस प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ, मेरे अंदर ये बात शुरू हुई कि कैसे, क्या रोल है, हार्ट अटैक्स ट्रिगर क्यों होते हैं, ब्लॉक्स होते क्यों हैं। हालांकि हम एज ए डॉक्टर हम जानते हैं, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम जानते हैं कि किस क्यों ब्लॉक्स हो, थ्रस्कलोसिस क्यों होता है, पर उसका जड़ क्या है और स्टेंट्स होने के बाद फिर क्यों बीमारी दोबारा हो जाती है। तो आज हम आपसे इसी बात पर थोड़ा शेयर करेंगे कि प्रोजेक्ट जो बना, फिर मैंने अप्रैल 95 में यहाँ शिफ्ट कर लिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से प्रोग्राम स्पॉन्सर हुआ, DRDO के साथ मिलकर, डॉक्टर कलाम साहब के साथ मिलकर कार्य शुरू किया गया और फिर ये कार्य की जो प्रोग्रेस है मैं आपसे शेयर करूँगा, और लास्ट में मैं आपको 5 मिनट में कंसेप्ट बता दूंगा, किस कंसेप्ट पर हम कार्य करते हैं। तो ये जो 3D हेल्थ एंड हैप्पीनेस मीन्स 3D हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। खाली ये प्रोग्राम अब हम खाली हार्ट के लिए नहीं करते, अब पूरे ही माइंड और बॉडी के लिए करते हैं। हार्ट के लिए तो करते ही हैं, ये लगाया नहीं, क्यों ये ऑपरेट नहीं कर रहा। यश भाई आप ऑपरेट कर, ये हमारा माउंट आबू का ग्लोबल हॉस्पिटल है जहाँ पे हम कार्यरत हैं। नेक्स्ट नहीं चल रहा है, ये ऑपरेट नहीं कर रहा। ये नीचे का ट्रॉमा सेंटर है, ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, ये नहीं कर रहा। वाई दिस प्रोग्राम 3D हेल्थ एंड हैप्पीनेस की क्या आवश्यकता है, वाई वी नीड दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट, ये ना कार्य नहीं कर रहा। अब उसमें दोबारा से करके देखें, ये लगा के देखिए, उसमें लगाइए, लगा दिए। जो आज की मॉडर्न हेल्थ केयर है वो सिर्फ 1D है, इट एड्रेसेस ओनली टू द बॉडी, जबकि आज हम जानते हैं कि 95% से अधिक बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। और जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल स्कूल्स हैं, चाहे भारत में चाहे विदेशों में, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, वेयर एवर इट इज, वहाँ पर सिर्फ बॉडी के बारे पढ़ाते हैं, ना
माइंड के बारे में पढ़ाते हैं ना स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ाते हैं. और जो हमारा WHO की डेफिनेशन आप सब जानते हैं, आई डोंट नीड नॉट रिपीट इट, कि इसके चार एस्पेक्ट हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल. एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज आर इन्फर्मिटी. और उनका जो प्रोग्राम था जो 1977 में अल्माटा में डिसाइड किया गया था, हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000 AD, आप जानते हैं इट इज़ ए बिग फेलियर. उसके बाद 17 साल हो गए, डिजीज आर इंक्रीजिंग. अगर हम देखें आज जो प्रेजेंट स्टेटस हेल्थ 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 का है, फिजिकल हेल्थ का क्या है, आज 30% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, 10% लोगों को हार्ट डिजीज़ है, 14% को हार्ट डिजीज़ है, 10% को डायबिटीज़ है, 40% लोग ओवरवेट या ओबीज हैं, 30% लोगों को लगभग GERD है, 20% को बोन प्रॉब्लम्स हैं. अगर आप ऐसे देखें तो 100 लोगों को 200 प्रॉब्लम्स हैं, 200 फिजिकल डिजीज़ हैं. एवरीवन, मैं तो समझता हूँ आप जहाँ आप जितने बैठे हैं, अगर आप भी अपने अंदर चेक करेंगे आपको दो दो बीमारी सबको मिल जाएंगी फिजिकल बॉडी में. नहीं ऐसा, देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, नहीं हो तो मुझे बताना. फिर मेंटल हेल्थ का क्या हालत है, या डिप्रेशन तो 20% लोगों में लगभग है, 10% लोग मेडिकेशन पे हैं, 10% लोग इंसोमनिया, नींद नहीं आती, दवाई लेते हैं, एंजाइटी सबके अंदर है, एंगर सबके अंदर है, ग्रीड सबके अंदर है, लस्ट सबके अंदर है, ईगो सबके अंदर है, अटैचमेंट, लेजीनेस, फियर, सिनिसिज्म. सिनिसिज्म इज फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, दोष वृत्ति, दोष दृष्टि, दूसरों में दोष ढूंढते रहना, हॉस्टिलिटी, रिवेंजफुल बिहेवियर, और टाइप ए बिहेवियर. टाइप ए बिहेवियर मीन्स फीलिंग प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, प्रेशर ऑफ परफेक्शन. मेरे हिसाब से काम होना चाहिए. ये जो आज ये सब मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, और ये सबको ही हैं. आप क्या समझते हैं, आप सब कोई फ्री है इनसे? लगभग सभी को हैं. और सोशल हेल्थ की जहां बात करते हैं, ये यश आप हाथ से करो ना, हाँ. आज देखो, हेट्रेड, जेलेसी, थेफ्ट्स, डिकॉयटीज, कंपटीशन, कंपैरिजन, मर्डर्स, रेप्स कितने हैं. समाज की हेल्थ ऐसी है. और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में तो आप देख सकते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस है, घर घर में झगड़ा है, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, आतंकवाद है, इन द नेम ऑफ रिलीजन्स. और तो मैंने बताया जैसे कि आपको हेल्दी कोई नहीं, फिजिकली हेल्दी कोई नहीं है. क्या आप समझते हैं लोग हैप्पी हैं? हैप्पीनेस इज नॉट लाफ्टर, लाफ्टर इज नॉट हैप्पीनेस. जो इंटरनेशनल डेफिनेशन हैप्पीनेस की वो क्या है, इट इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन कंटेंटमेंट. जब आप अंदर से संतुष्ट होते हैं तब आप खुश रह सकते हैं, तब आप मुस्कुरा सकते हैं. मुस्कुराना, अंदर से मुस्कुराहट आए और सदा सदा वाली मुस्कुराहट हो. दिखाने के लिए नहीं, हम एक दूसरे से मिलते हैं क्यों तो एक बार हम मुस्कुराते हैं दूसरों को देख के, बट दैट इज नॉट हैप्पीनेस, राइट? इज एनी वन हैप्पी इन दिस वर्ल्ड? क्या समझते हैं आप, खुश हैं? क्योंकि हैप्पीनेस कहां से आती है, इट कम्स फ्रॉम प्योरिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट. जब आपका मन और बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है, तो ही आपकी आप खुश रह सकते हैं. जब आपके अंदर शांति है तो खुश रह सकते हैं. जब आप सत्यता में हैं, जब सच्चे हैं तो खुश रह सकते हैं. जब आप निर्भय हैं, निडर हैं, आपको कोई डर नहीं है, तो आप खुश हैं. अगर आपके अंदर सहन शक्ति है, पावर ऑफ टॉलरेंस है, तो आप खुश हैं. अगर आप सहन शक्ति नहीं है तो आप खुश हैं क्या? आज का इंसान गुब्बारे की तरह है, उसमें फूंक भरते जाओ फूलता जाएगा. और एक आदमी निडर लेके आए, उसे लगा दे तो क्या होता है, छोटा सा हो जाता है. आज के इंसान को भी उसकी महिमा करते रहो, उसकी सक्सेस मिलते जाए, सक्सेस मिलते जाए, फूल के अभिमान इतना बढ़ जाता है. और कोई एक बार क्रिटिसाइज कर दे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होता है, आदमी का मुख छोटा सा हो जाता है, एकदम लगता है मेरे जैसे कोई है ही नहीं. इजी नेचर, जो सरल स्वभाव के लोग हैं वो खुश रह सकते हैं. जो ईगो वाले लोग होते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो कभी खुश नहीं रह सकते. स्वीटनेस, जो मीठा बोलते हैं वो खुश रह सकते हैं. जिनका दिल बड़ा है, ये दिल बड़ा नहीं, ये दिल बड़ा होगा सांस फूलने लगेगा. दिल बड़ा माना उदारता, दूसरों की गलतियों को समा लेना. हम भी गलती करते हैं और दूसरे भी हमारे सामने, हमारे बच्चे, हमारे साथी, हमारे ऊपर वाले, नीचे वाले, सब गलतियां करते हैं. उनकी गलतियों को फैलाना नहीं, समा लेना, इसे कहते हैं लार्ज हार्टेडनेस. एम्पैथी, दूसरों की प्रॉब्लम्स को देख के अपने अंदर उसको अपने साथ लगा के देखना, फिर उनके साथ कार्य करना या उनकी हेल्प करना. कंपैशन, लव, सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव, जो आज दुनिया में नहीं है.
sacrifice, satisfaction, contentment. ये चीज अगर आपके अंदर तो आप खुश रह सकते हैं. यश भाई आप हाथ से ऑपरेट करो, चलो नेक्स्ट करो. और आप जानते हैं कि 95% डिजीज आर साइकोसोमेटिक हैं या स्ट्रेस रिलेटेड हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट. आज जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 2015 का मैं सीएडी का आपको प्रेवलेंस बता रहा हूं. 1960 में 100 में से एक आदमी को हार्ट की बीमारी होती थी और आज लगभग 14-15% लोगों को हार्ट की एडल्ट्स को. 2015 में लगभग 62 मिलियन डॉक्यूमेंटेड केसेस थे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के और उसमें से 37 मिलियन बिफोर 50 इयर्स ऑफ एज थे. अर्थात 60% ऑफ हार्ट पेशेंट्स दे आर बिलो द एज ऑफ 50 इयर्स एंड आउट ऑफ 29 मिलियन डेथ्स 30 लाख डेथ्स 15 लाख वर बिलो द एज ऑफ 50 इयर्स. तो ये डिजीज बूढ़े लोगों की नहीं है, अब यंग लोगों की है. और ये अगर फॉर एवरी हार्ट पेशेंट देयर इज अ हिडन टू हार्ट पेशेंट्स आर देयर. तो ऐसे अगर आप लगाएं तो भारत में 17-18 करोड़ लोगों को हार्ट की बीमारी है. नेक्स्ट, मैं आपको दिखा रहा हूं कि दिस डिजीज इज प्रोग्रेसिव डिजीज. आप कितनी बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं, मैं अभी आपको अभी इसी नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा दिसंबर में, इसमें मार्च में है, उसमें एक पेशेंट है उसकी बाईपास हो गई, 99 में बाईपास हुई, उसके बाद उसकी 7 एंजियोप्लास्टी हो गई, उसके बाद अभी 2014 में उसका बाईपास द्वारा हुआ और बाईपास होने के बाद फिर 2 एंजियोप्लास्टी और हो गई और खुद मेडिकल प्रोफेशनल हैं. हाँ जी क्या कह रहे, हाँ बच गए. हाँ जी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे दिल वाले हैं, दिल वाले माना हार्ट पेशेंट्स हैं जिनकी 15-15 एंजियोप्लास्टी हो चुकी है. वो हर लगभग हर साल एंजियोप्लास्टी कराते हैं. तो इसे प्रोग्रेसिव डिजीज. नेक्स्ट देखिए, आप देख सकते हैं कितनी इसकी एंजियोप्लास्टी हुई, बाईपास भी ब्लॉक हो गए, है ना, कितनी बार इंटरवेंशन कराने के बाद भी. आप भारत में नेक्स्ट, भारत में एक प्रॉब्लम और है. नेक्स्ट इसमें करते जाओ. नेक्स्ट नेक्स्ट, भारत में डिफ्यूज डिजीज बहुत ज्यादा है. डिफ्यूज माना 54% ऑफ सीएडी पेशेंट्स हैव डिफ्यूज डिजीज व्हिच इज नॉट ऑपरेबल. ना उसके एंजियोप्लास्टी कर सकते हो ना बाईपास कर सकते हो, डिफ्यूज डिजीज है. नेक्स्ट, तो जितने भी हम एंजियोप्लास्टी बाईपास करते हैं ये नो डाउट ये मेडिकल एडवांसमेंट्स हैं, किंतु उसके बाद भी अगर जो बाईपास करते हैं फिर स्टेटिन्स यूज करते हैं, डिफरेंट ट्रायल्स ने बताया है, करेज ट्रायल, ओ ट्रायल, है ना, ये जो मास टू ट्रायल, इन सब ने बताया कि ये सिर्फ पेलिएशन है, इट डज नॉट ट्रीट द रूट कॉज. रूट कॉज है जीन्स, रूट कॉज है मेंटल स्ट्रेस, रूट कॉज है डाइट, रॉन्ग डाइट, रूट कॉज है रॉन्ग लाइफस्टाइल, है ना, रूट कॉज है हमारा टबैको हम लेते हैं, स्लीप हमारी डिस्टर्ब है. सेइंग इज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. किंतु हम आज हमारे साथ क्या हो रहा है, लेट टू बेड लेट टू राइज, है ना. और ये जितना भी हम ट्रीटमेंट करते हैं वो सिर्फ वन डायमेंशनल है. एंजियोप्लास्टी बाईपास या मेडिसिन भी सिर्फ बॉडी को एड्रेस करती हैं. We know that CAD is a psychosomatic disease, it's a lifestyle disease. World over में इसको सब मानते हैं. और मैं आपको 2006 की figures देता हूँ US की. US में लगभग 2 मिलियन लोगों को हार्ट अटैक हर साल होते हैं, 20 लाख लोगों को हार्ट अटैक होते हैं. उसमें से उस साल 13 लाख लोगों की एंजियोप्लास्टी की गई, उसमें $60 बिलियन खर्च हुए और 4.5 लोगों का बाईपास हुआ, 4.5 लाख लोगों का, उसमें लगभग $44 बिलियन खर्च हुए. और इस सब कुछ होने के बाद भी ना तो वो हार्ट डिजीज कम हुई, ना कोई डेथ रेट कम हुआ, ना मायोकार्डियल इन्फेक्शन रेट कम हुआ. और साथ साथ बाईपास सर्जरी करने के बाद देखा गया, अगले 5 साल में देखा गया 100 में से 3 लोगों को फायदा हुआ, थोड़ी लगता उनकी उम्र बढ़ी, किंतु 10 साल के बाद देखा गया उनकी कोई उम्र भी नहीं बढ़ी थी, आयु नहीं बढ़ी थी. तो बाईपास एंजियोप्लास्टी इज पेलिएशन, नो डाउट इट इज इंपॉर्टेंट. प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इज लाइफ सेविंग फॉर पीपल, विद इन 3 आवर्स इवन अप टू 12 आवर्स इट कैन सेव लाइव्स, बट अनस्टेबल स्टेबल पेशेंट्स में इट इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड 95% ऑफ पेशेंट्स इवन विद ट्रिपल वेसल डिजीज कैन बी एड्रेस्ड विद लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन. और इफ यू चेंज योर लाइफ स्टाइल देन इट कैन प्रिवेंट और रिवर्स नॉट जस्ट हार्ट डिजीज
बट ऑल्सो ऑल द क्रॉनिक डिजीज ऑफ माइंड एंड बॉडी. अगर आप जीवन शैली बदल देते हैं तो खाली हार्ट की ब्लॉकेज नहीं खुलती हैं, आपकी मन की सारी बीमारियां, डिप्रेशन, नींद का ना आना और भी बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं, साथ साथ बॉडी की लगभग सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं. ऐसे हज़ारों पेशेंट्स हैं हमारे पास जो डायबिटीज़ के मरीज थे, जिनके काफ़ी इंसुलिन रहती थी, 60-80 यूनिट्स पर डे इंसुलिन थी. आज वो इंसुलिन उनको लेने की आवश्यकता नहीं है, आज गोलियों पे हैं, गोलियां भी बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है. हज़ारों पेशेंट ऐसे थे जिनके ब्लड प्रेशर के मतलब चार चार पाँच पाँच टैबलेट्स खा के भी ठीक नहीं थे, आज वो ऑफ मेडिसिन है, लगभग ऑफ मेडिसिन हैं. और हज़ारों पेशेंट दिल वाले ऐसे हैं जिनके ब्लॉक्स खुल गए, आज वो अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं. मैं आपको उनको बारे में दिखाऊंगा. इंटर हार्ट स्टडी के बारे में आप जानते हैं, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा. नेक्स्ट, जीन्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, 2009 में एक स्टडी पब्लिश हुई, उसमें बताया गया कि इफ़ यू डू मेडिटेशन रेगुलरली, डाइट मॉडिफाई करिए और साथ साथ लाइफस्टाइल बदल लीजिए, तो आपको आप देखेंगे कि आपके जीन एक्सप्रेशन, आपके जो भी प्रॉब्लम के जीन्स हैं, CAD के जीन्स हैं, ब्लड प्रेशर के जीन्स हैं, डायबिटीज़ के जीन्स हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जीन्स हैं, SLE के जीन्स हैं, यू कैन मॉडिफाई दोज जीन्स. स्टडी में बताया गया कि इफ यू कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन फॉर 3 मंथ्स अलॉन्ग विद डाइट मॉडिफिकेशन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन. व्हेन आई से लाइफ स्टाइल, वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लाइफ स्टाइल इज यू फॉलो योर बायोलॉजिकल क्लॉक. उसमें बायोलॉजिकल क्लॉक में एक सोने का समय है, टाइम टू स्लीप, टाइम टू गेट अप, टाइम फॉर मेडिटेशन, टाइम फॉर प्लानिंग, टाइम फॉर एक्सरसाइज, टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, टाइम फॉर वर्किंग, टाइम फॉर लंच, टाइम फॉर डिनर. वो दैट इज एज पर अवर फिजियोलॉजिकल और यू कैन सी एंडोक्रोनोलॉजिकल हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस. इफ यू फॉलो दैट बायोलॉजिकल क्लॉक, एवरीथिंग फॉल्स इन लाइन एंड यू विल बी हेल्दी एंड हैप्पी. तो इसमें ये देखा गया कि इफ यू फॉलो दिस प्रोग्राम, फॉलो दिस योर बायोलॉजिकल क्लॉक, देन यूर जीन एक्सप्रेशन, द जीन्स, पैथोलॉजिकल जीन्स दे आर टर्नड ऑफ एंड प्रोटेक्टिव जीन्स आर टर्नड ऑन. तो ये जो है हम करके इसमें आपको ठीक कर सकते हैं. अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ 3D हेल्थ एंड हैप्पीनेस. ये जो प्रोग्राम जो हमने बताया आपको 95 में हमने इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दिया स्पॉन्सरशिप के लिए और DRDO के साथ मिलकर किया और 3 टर्शरी कार्डिक इंस्टीट्यूट्स, एक दिल्ली का मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद में BJ मेडिकल कॉलेज और बॉम्बे में ग्रांट मेडिकल कॉलेज, इन 3 के कोलाब्रेशन में कार्य किया गया. और ये स्टडी हमने 2011 में पब्लिश की माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल के नाम से. और ये स्टडी हमें 2013 में बताया गया बायोमेड लिब के द्वारा कि आपकी स्टडी, ये जो स्टडी है, इस कैटेगरी में फर्स्ट टॉप 20 स्टडीज़ में नंबर 1 है, मोस्ट साइटेड, मोस्ट विजिटेड बाय रिसर्चर्स, डॉक्टर्स एंड पब्लिक. और ये स्टडी लगातार 2.5 साल हमारे पास, हमारी जो स्टडी 2.5 साल लगातार नंबर 1 पे रही, अंदर नवंबर 2015 तक, अभी भी टॉप 20 में है अभी तक. नेक्स्ट, अरे यस, आप रेडी करो. सो व्हाट इज हार्ट? ये हार्ट हमारा फिजिकल हार्ट है, एक जो आप सुबह से सुन रहे हैं आत्मा के बारे में, बीइंग के बारे में, बीइंग में, आत्मा में भी एक हार्ट है, इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियंस कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं. उसमें जो लोग रहते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस में क्या है, कौन कौन रहता है, आपके बच्चे रहते हैं, आपके पति पत्नी रहते हैं, माता पिता, भाई बहन रहते हैं, वो जब आपको कुछ कहते हैं, उनको कुछ होता है, उससे हार्ट की प्रॉब्लम होती है. फिजिकल, ये तो फिजिकल एक्सप्रेशन है कि तू जो आपकी एंडोथेलियम इंजर होती है, वो आपके, उनको कुछ ऊपर नीचे होता है, उनका बिहेवियर आपके, आपको इंजरी करता है आपके एंडोथेलियम को, उससे वहां पर कोलेस्ट्रॉल बचपन से डिपॉजिट होना शुरू होता है एंड दैट इज हाउ द ब्लॉक्स आर कॉज्ड. मैं आपको आगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा. नेक्स्ट, माइंड क्या है? जब डॉक्टर प्रेम मसंद से भी आपने भी सुना, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ है ना, तो माइंड के 4 आस्पेक्ट्स हैं, टीम, थॉट्स, टी फॉर थॉट्स, ई फॉर इमोशंस, एम फॉर मेमोरीज एंड ए फॉर एटीट्यूड्स, है ना. आपकी टीम नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सारा गेम इसी पर है. अगर आपकी टीम पॉजिटिव है, यू आर ए विनर, या टीम नेगेटिव है तो मैच फिक्स है, आप मैच हारेंगे. और फिजिकल ब्रेन उसको एक्सप्रेस करता है. सेल हमारी आप अपने आप में समझ जानते हैं सभी, यू आर डॉक्टर्स, तो
तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ सेल और कितना कितना कॉम्प्लेक्स सेल है. और ऐसी हमारी बॉडी में 80,000 billion सेल्स हैं और इसको चलाने के लिए, और ये हार्ट हमारा एक वंडरफुल पंप है जिसमें हमारी कॉरोनरी आर्टरीज हैं, आप सभी जानते हैं. LMCA डिवाइड्स इनटू LAD एंड LCX एंड RCA, इसकी मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं. बच्चों में बचपन में हमारी आर्टरीज इलास्टिक होती हैं, जैसे डिमांड बढ़ती है ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, 6 गुना बढ़ सकती है. नॉर्मली वी रिक्वायर 250 ml ऑफ ब्लड इन ए मिनट, किंतु इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस वी कैन इट कैन गो अप टू 1500 ml पर मिनट इन टू द हार्ट, अगर आपकी आर्टरीज इलास्टिक हैं तो. बट वॉट हैपन्स कि हमारी जो हार्ट है विद बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, रॉन्ग डाइट, ओबेसिटी, स्मोकिंग, एल्कोहल, हमारी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होना शुरू होता है हमारी आर्टरीज में, और हमारी आर्टरीज इलास्टिक के बजाय प्लास्टिक जैसी बन जाती है. सो व्हेनेवर डिमांड इंक्रीजेस इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, द ब्लड सप्लाई डज नॉट इंक्रीज, आर्टरीज डू नॉट डायलेट. एंड व्हेन देयर इज अ स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ फियर, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ वेंटिलेशन, देन आवर आर्टरीज क्रैक, एंडोथीलियम क्रैक्स, द प्लाक्स क्रैक, रप्चर होता है, प्लाक रप्चर्स एंड देन दिस क्लॉट फॉर्मेशन एंड दैट सडन 100% ब्लॉकेज लीड्स टू हार्ट अटैक. इट्स नॉट द ब्लॉक विच कॉजेज हार्ट अटैक्स, इट इज द क्लॉट विच लीड्स टू हार्ट अटैक. एंड क्लॉट हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ, यूजली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. In this slide, you can see that how the cholesterol starts depositing from the age of 3-4 years, 5 years, and keeps on depositing. And when it becomes 70%, then we have problem, or there's a crack, there's a MI, myocardial infarction, and what we do is angioplasty. We put in a balloon and put a stent there. It's a temporary solution. It is a solution, but it's a temporary solution. Yes, next. Bypass surgery, you know, what it is? It does not address the root cause. That's why we require repeat angioplasty and bypass surgeries. This study was a multidisciplinary research project in which cardiologists, physicians, endocrinologists, physiologists, nutritionists, fitness experts, spiritualists, psychologists, and physiologists. We worked hand in hand for more than 20 years. We are still working, and we published our that trial. This is Abu Healthy Heart trial. It's a randomized control trial. Difference between the two groups is only meditation. Diet, exercise, same. Medication is same. And we repeated angiograms after 1 year. And our 80% patients were either double vessel disease or triple vessel disease. Only 20% patients were one vessel disease. All the results were analyzed by independent people. Angiograms were decoded and then blinded. And they were sort of analyzed by independent angiographers. And, you know, we could, in our study, we could improve the sort of patients who were hardly able to walk 100 meters. They could walk 3 kilometers within a week. Patient could stop their nitrates. Most of the patients could stop their nitrates or decrease their nitrates. They were able to decrease their antihypertensive, antidiabetic tablets. Average exercise tolerance increased by more than 500%, and average ejection fraction of the heart, that improved by 10%. Lipid profile, bad cholesterol decreased by 31%, that is LDL, HDL improved by 16%, and 93% patients could open their blocks. I'll just show you a few angiograms. Can we have the lights off, please? So there's a 80% block here in the right coronary artery. It has opened up. Next, yes, aap karte rahe, ye nahi operate nahi ho raha. Ye this, see, you can see this long block which cannot be angioplasted. It has opened up. Next, even we had 33 blocks which are 100% calcified blocks. And to our surprise, out of 33, 19 blocks, 100% calcified blocks also opened up. This is one of them. Next. See, another 100% block opened up. Next. Multiple blocks have opened up. Next. 80 and 90% block opened up. Next. This patient had actually 2 heart attacks, anterior wall and inferior wall MI.
and the ejection fraction became 30%. Next, in the repeat angiogram, it became 45%. These are actually video clips not working. Next slide. Another 80% block opened up. Next. This patient angiogram was EF, ejection fraction, contractility of the heart was 20% only, normally 60%. In the repeat angiogram after 1 year, it became 50%. So you can improve, you can regenerate the myocardium with this program. Next. It 100%, another 100% block opened up. Next. Control group, you can see in the control, next. All the blocks have increased. Actually, in our study, we have found out that each block in the LAD, proximal, mid or distal, or in the LCX or in the RCA, each block in that particular area is correlated with psychological thought patterns. What type of personality you have, those thought patterns will injure that part, that particular part of endothelium, and that is where the block will, the cholesterol will keep on depositing. In our study, we identify the thought pattern of the person, and through Raja Yoga meditation, we modify the thought pattern. Along with that, we modify their diet and exercise and sleeping patterns. And you, when they, these people follow, change that thought pattern, thinking pattern, their block opens up. Reverse cholesterol transport starts, and that is how these cholesterol plaques regress. If they do not, then the block remains the same. Or if they increase that thought pattern, then it will further increase. So by like a palmist, they can see your palm and tell you the, your future and past. Same way, by looking at the angiogram, we can tell what type of person he is, what type of person she is, what type of thinking of this person is. So just if you can modify that, that is possible with Raja Yoga meditation. So this is what we have analyzed after 20 years of, because for every patient, on day one, we do psychological analysis. On day seven, we do psychological analysis. Every 3 months, we do it. And when repeat the angiogram, we do it again. So for more than 8,000 patients, we have a database. On the basis of that database, we have been able to come out to the, on this conclusion that this every thought pattern is responsible for that type of block or plaque. And if you can change that, plaque regresses. Otherwise, it does not. See, the block has increased. When we put these patients in the in this program, then these blocks opened up. Next. Another 100% block, it has opened up. Next. At the number of events, the psychological stresses, type A behavior, anxiety, anger, depression, they all changed in the healthy lifestyle group and not in the control group. They could change, all the patients could stop their smoking and alcohol, and diet and exercise adherence was also better. Humne patients ka EEG kiya. Jo hamare paas DRDO ke teams aati thi, they used to do EEG of every patient on day 1 and day 7. So aap dekh rahe hain ki alpha rhythm, beta rhythm, when with eyes open, we all have beta rhythm. But when we close our eyes and try to be peaceful, it becomes alpha rhythm. That is called as peaceful rhythm. If you go further deeper, it becomes delta, theta rhythm. Deep sleep, it is delta rhythm. With Raja Yoga meditation, what we have done is, with eyes open, we practice this meditation, and we ask them to close their eyes. We practice this consciousness, soul consciousness, connect with the Supreme Soul, that is Raja Yoga meditation, and realize this throughout the day. Practice this. This is what Raja Yoga meditation means. So after 1 week, we revise their EEG. And you can see on day one, day seven, their alpha rhythm has improved with eyes open. With eyes closed, it is alpha rhythm. But now with eyes open, it is alpha rhythm. When they go further, it becomes theta rhythm. Theta rhythm is loveful rhythm. What is love? Love is accepting things as they are. And delta rhythm is peace, happy and blissful rhythm. So this is how we, just within a week, their behavior changes, right? Next. And when we followed this program for 2 years, EEG of these patients for 2 years, alpha rhythm has been improving, beta rhythm is coming down, theta and delta is also improving.
That means after 1 year, delta rhythm, you have so much of delta rhythm, that means you are so relaxed while talking, while functioning, as if you are sleeping. Then heart rate variability. Heart rate variability basically means we have low frequency power and high frequency power. Low frequency power means sympathetic activity, and high frequency power means parasympathetic activity, relaxation response. So with this meditation, we found that on day one, when the patients had sympathetic overactivity, on day seven itself, the sympathetic activity decreased and relaxation response improved. And at 1 year, there was a total harmony of sympathetic and parasympathetic. And 2 years, it was same. So that is how, by practicing Raja Yoga meditation, we found that the patients who practice Raja Yoga meditation, they had balance of sympathetic and parasympathetic. Next. And we also did hormones. Epinephrine levels, norepinephrine levels in blood as well as urine. And we saw that within 7 days, there was significant decrease in epinephrine levels and norepinephrine levels. Next. And same way, we also did serotonin endorphin levels. Endorphins are the strongest painkillers in the world. They are like morphine. So on day seven itself, there's significant improvement in endorphin levels. So whatever types of pain you have, headache, the angina or backache or knee pain, they all become less. I told you that patients who could not walk 50 meters or 100 meters, they could walk 2-3 kilometers on day five, day six. This is the secret. They could open their collaterals and also the pains had decreased. And similarly serotonin had improved. Next. And we also did their 8 a.m. and 4 p.m. cortisol samples in the blood and urine. You must be knowing, who know physiology very well, that when you get up, whatever time you get up, 4 a.m. or 5 a.m., half an hour after getting up, your adrenal gland starts secreting cortisol. And it continues to come out up to 8 a.m. almost. It peaks at 8 a.m. So what type of thoughts, emotions, and attitudes you have up to 8 a.m. will decide the cortisol surge. So we have seen that we tell our patients, or we teach in Raja Yoga meditation, that up to 8 a.m. you be in silence or have only positive team up to 8 a.m. And by this practice, we could see that within a period of 1 week, there was significant decrease in within 15 minutes, within a period of 1 week, there was significant decrease in the cortisol levels, 8 a.m. samples. And that further decreased as they practiced. So by this, we can follow this program. And insulin levels also decreased by just within a week, by 13%. That means insulin sensitivity improves. So we have shown that patients whose sugar was 300, 400, even with 80 units of insulin, within a week we could get rid of insulin, though it may look miraculous, but it is not miracle. And their sugar levels were also controlled. Reason is that these patients had insulin resistance. So by practicing meditation, changing the diet, daily exercise, proper sleep, these patients, the insulin sensitivity improved, and the same amount of insulin which was coming out from the body was enough to control their blood sugars. This is the gist of the whole slides. The soul is, the being, human being is releasing 7 energies, which is, the first one is, the formula for that is KP square low high blood pressure. K for knowledge of the truth. I call it ABCD. A for Atma, B for Baba, Baba means God, C for connection between soul and supreme soul, and D for drama. This world is a drama in which every soul is an actor. We are playing accurate part in this drama, all of us. So this is the knowledge. And what is meditation? Meditation is nothing but realization of this knowledge, realization of ABCD. More and more you realize this, there's a purity of mind and intellect. And when mind and intellect becomes pure, you become peaceful. Peaceful means you are able to stop thinking about the past and stop worrying about the future. You start being in the present. That is peace. And then that brings out love. Love means you accept people as they are. Unconditional care.
and acceptance for everyone. Then once you have this, then you have the satisfaction. That means happiness. And once you have this happiness, you accept things as they are, and you become contented, then you enjoy bliss. Bliss means then you can enjoy connection between Supreme Soul and Supreme God, Soul and Supreme Soul. And that is a feeling of bliss. And then you can have powers. Power means you have power of discretion for the right and wrong. You are able to judge at the right time, right things. You are able to withdraw. Like you can say, you can make moles out of mountains. Then you can actually pack up. You can tolerate. You can accommodate. You can adjust. And you can help others, cooperate with others. So these are how 8 powers happen. And all the souls, all the 80,000 billion cells of the body, they need all the 7 energies. But one energy is special for one system. Like for the brain, it is knowledge. IQ, EQ, SQ, and HQ. And for the immune system, it is purity. For the lungs, it is peace. For the heart, it is love. For the digestive system, it is happiness. For hormonal system, it is bliss. And for the bones and joints, it is powers. So soul is nourishing all the organ systems in the body with 7 energies through mind. Mind is the medium. Next slide. So what we teach our patients, or what we teach basic concept of 3-dimensional health and happiness is, when we get up 4 a.m., we go for this realization of ABCD, and through this realization, we go to bliss, stage of bliss. And the soul becomes full of 7 energies, and there's a hormonal surge, hypothalamus, pituitary, adrenal surge, especially hypothalamus and pituitary and pineal gland. And because of bliss, and up to 8 a.m., we try to have only positive team. And by having positive team, adrenal surge at 8 a.m. is harmonious. And in the meantime, all the energies come to the body, all the body cells. And if you take proper diet, that is low fat, high fiber vegetarian diet, you daily go for a walk. Walking is not optional, it is a must. But it should be meditative walk. It should be walk in silence. We usually go walking and talking, we mix. That's wrong. So walking and talking should not be mixed, because when you're talking, then only half the lungs are getting oxygen. And third is going to bed at 10 after auditing and go to bed, get up at 4. So by 4, and take proper medicines. So this is how this 3-dimensional healthcare program is. When you harmonize all the 3 energies, you become healthy and happy. This is Raj Yoga meditation. What is Raj Yoga? Raj Yoga is the science and art of harmonizing spiritual, mental, and physical energy through connection with the ultimate source of spiritual energy for enjoying ever healthy and ever happy life. So this program is conducted, we have conducted more than 135 programs. So basic essence of this program is, take home message is, be natural. Be in a self-conscious or soul-conscious and not body or role conscious. For this, practice Amrit Vela meditation, 4 a.m. to 5 a.m., half an hour meditation, and enjoy a blissful stage. Next. And mental care means have positive team up to 8 a.m. Try to have only positive team up to 8 a.m. Next. And for the body, eat natural. It is not only important to what to take, but when to take and how to take. That is also important. Have morning walk after sunrise, and sleep at 10, get up at 4, and take proper medicines as and when required. Next. So this is the program. This is the program of 3D health and happiness for healthy heart, happy mind, and healthy body. Om Shanti. Abhi hum sunna chahenge Dr. Ratan Rathod ji ko, jo ki Navi Mumbai Vashi se yahan par aaye hain. Aap bhi professor and head of the department, MGM Hospital, वाशी से यहाँ पर आए हैं तो आपसे भी हम कुछ वक्तव्य सुनना चाहेंगे। ओम शांति। हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। ये इनका ओरिजिनल ट्रायल है और मैं भी इनके साथ 98 से जुड़ा हुआ हूँ। आज हम देखते हैं कि 40% लोग हार्ट अटैक की बीमारी से मरते हैं। नंबर 1 किलर है। कैंसर से डबल इंसिडेंस है।
हर साल 70 लाख लोगों को फ्रेश हार्ट अटैक आता है, और आपको पता ही है कि हार्ट अटैक की बीमारी के अंदर में मोस्ट क्रूशल जो टाइम होता है पहले 1 आवर का, जिसमें लोग अरिथमिया से मरते हैं। और ये बीमारी हमने देखा कि 1960 में ये बीमारी 1% थी, आज ये बीमारी 12 से 14% हो गई है। आज हमारे मेडिकल साइंस ने तो बहुत तरक्की की है, अच्छी अच्छी दवाइयाँ, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, लेकिन हम हमारी हार्ट की बीमारी और दूसरी भी बीमारी को रोक नहीं पा रहे, हमारी बीमारी बढ़ते जा रही है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ही है कि हम पार्शली 50% इलाज करते हैं, माना हम ह्यूमन का इलाज करते हैं, हम बीइंग का इलाज नहीं करते हैं। और ये एक पहली बार डॉक्टर सतीश गुप्ता ने ये ह्यूमन और बीइंग की कैसे इसका इलाज किया जाए, इसका ट्रायल 98 में शुरू किया, और इसका वंडरफुल हमें इसका रिजल्ट मिला। अब ये जरूरी क्यों है? अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि रिस्क फैक्टर्स, कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग और खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, लेकिन ये देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स को एक भी रिस्क फैक्टर नहीं है फिर भी हार्ट अटैक आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है फिर भी हार्ट अटैक आ रहा है। अगर आप 6 प्रकार के रिस्क फैक्टर्स भी ले लो सब पेशेंट में, तो ऐसे 6 प्रकार के रिस्क फैक्टर जिस पेशेंट में है, इनमें से केवल 10% लोगों को ही हार्ट की बीमारी होती है। फिर रिसर्च हुआ कि कारण क्या है, तो फिर कारण ये नज़र आया कि नॉन फिजिकल रिस्क फैक्टर्स जो डॉक्टर साहब ने कहा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सीनिसिज्म, आइसोलेशन, और ये जो रिस्क फैक्टर्स है ये हमारे ह्यूमन के नहीं है, ये बीइंग के रिस्क फैक्टर्स है, और जब तक आप बीइंग में नहीं जाएंगे तब तक आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि पर्सनालिटी अगर आपने देखा कि टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, टाइप ए पर्सनालिटी जो है वो आपको हार्ट की बीमारी लाती है, और ये जो पर्सनालिटी है ये अगेन ये हमारी ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है, ये बीइंग से रिलेटेड है, और जब तक आप बीइंग में नहीं जाएंगे तब तक आप इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें आगे, तो ये मैंने आपको दिखाया है बैक 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 हाँ ये देखिए, ये लाल कलर की मैंने कोरोनरी आर्टरी आपको दिखाई है, और इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर मैंने 3 प्रकार के ब्लॉक दिखाए आपको, येलो कलर के लेस देन 50%, 50 to 70% एंड मोर देन 70%। हम एंजियोप्लास्टी बाईपास करते हैं जब ब्लॉक 70% से ज़्यादा होता है, 70% से नीचे वाले ब्लॉक में एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं होती है। और आपको बताकर ताज्जुब होगा, सरप्राइज होगा कि सबसे ज़्यादा ब्लॉक पता है आपको कौन से ब्लॉक में होते हैं, जब ब्लॉक कितना परसेंट होता है हार्ट अटैक, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक कब होता है, जब ब्लॉक 50% से ज़्यादा कम होता है। हम एंजियोप्लास्टी बाईपास करते हैं जब ब्लॉक 70% से ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आता है जब ब्लॉक 50% से कम होता है, और 20% ब्लॉक जो है वो होते हैं जब ब्लॉक आपका 50 और 70% के बीच में है। जब ब्लॉक आपका 70% से ज़्यादा है इसमें केवल अप्रॉक्सीमेटली 25% लोगों को ही हार्ट अटैक आता है, और हम उसके लिए एंजियोप्लास्टी और बाईपास करते हैं। और जब ब्लॉक 70% के नीचे हुआ तो उसकी इलाज क्या है? आई विल नॉट डू एंजियोप्लास्टी, नाइदर सर्जन विल डू द बाईपास सर्जरी, द ऑनली सोल्यूशन इज अ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो हम पहले से ही क्यों लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं? और केवल डाइट और एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये आपके आते हैं माइंड से, और माइंड जो है डॉक्टर साहब ने कहा ये सोल का एक पार्ट है, माइंड की 3 फैकल्टी है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो जब तक आप अपने सोल को स्ट्रांग नहीं करोगे, इम्पावर्ड नहीं करोगे, आप ठीक नहीं हो सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी है, सोल लेवल पर जाना, और फिर फाइनली आपने डॉक्टर साहब ने आपको बताया नेक्स्ट बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी आपको पता है 1.5 लाख का खर्चा है, अच्छे स्टेंट के साथ में भी प्रतिवर्ष हर साल 7% का ब्लॉक के चांसेस रहते हैं।
तो ये स्टेंट भी आपको 5 साल 7 साल 8 साल जाएंगे, फिर आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास करना पड़ेगा। बाईपास सर्जरी का खर्चा आपको पता है कि बाईपास सर्जरी का खर्चा 1.5 लाख से 10 लाख। अगर आप बोल रहे होंगे आपके डॉक्टर साहब 1.5 से 10 लाख कैसे, तो 10 लाख 15 लाख 25 लाख लेने वाले भी डॉक्टर है, उनकी स्किल अलग है, क्योंकि ये स्किल का खेल है। आप कोरोनरी आर्टरी के अंदर में दूसरा ग्राफ्ट लगा रहे हो और कोरोनरी आर्टरी की साइज होती है 2 मिलीमीटर 2.5 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 2.5 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर की आर्टरी में आप ज्वाइंट कर रहे हो, तो आपने कैसे ज्वाइंट किया उसके ऊपर आपका सारा खेल है। इसलिए हम देखते हैं कि किसी सर्जन की नलिया बाईपास ग्राफ्ट 8 साल में बंद हो जाता है, किसी सर्जन की नलिया 12 साल 15 साल 20 साल तक चलती है, क्योंकि क्वालिटी। और ये भी देखा गया है कि विनस ग्राफ्ट, आपको पता है कि विनस ग्राफ्ट और आर्टरी ग्राफ्ट होते हैं, विनस ग्राफ्ट माना सेफेनस वन निकालते हैं पाँव से जिसको लगाते हैं, रेडियल आर्टरी हाथ से निकालते हैं लगाते हैं, और एक लाइव ग्राफ्ट होता है जिसको हम लाइव ग्राफ्ट आर्टेरियल ग्राफ्ट बोलते हैं, जिसमें इंटरनल मेमोरी आर्टरी राइट एंड लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी लगाते हैं। और ये देखा गया है कि विनस ग्राफ्ट जो होते बड़े होते, और जब आप इसको छोटी कोरोनरी में डालते हो तो प्रेशर के कारण प्रेशर ज़्यादा होता है विनस ग्राफ्ट में, क्योंकि विनस ग्राफ्ट बड़ा होता है, तो जहाँ पर हम उस विनस ग्राफ्ट को ज्वाइंट करते हैं उसके आगे में इसका स्ट्रेस आने की वजह से डिस्टल नेचुरल जो उसकी कोरोनरी आर्टरी है वो पतली हो जाती है, आर्टरी सिकुड़ जाती है। ये विनस ग्राफ्ट का ड्रॉबैक है, इसलिए इंटरनल मेमोरी आर्टरी लाइव ग्राफ्ट इज अ बेस्ट ग्राफ्ट। लेकिन कितने लोग सर्जन ऐसे हैं जो इंटरनल मेमोरी आर्टरी ग्राफ्ट जाते डालते हैं, बहुत कम, मेजॉरिटी लोग एक इंटरनल आर्टरी डालेंगे और विनस ग्राफ्ट डालते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। बहुत कम लोग जो है जो इंटरनल दोनों राइट और लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी डालकर पूरा आर्टेरियल ग्राफ्ट डालते हैं और जो काफ़ी पैसा लेते हैं। इसलिए द बेस्ट सोल्यूशन इज द लाइफ स्टाइल चेंज, एंड लाइफ स्टाइल चेंज यू हैव टू चेंज द लाइफ स्टाइल एट ह्यूमन लेवल एंड द सोल लेवल, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द परफेक्ट रिजल्ट। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रतन राठौड़ जी का। अभी मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे आए हुए मेहमानों का फेलिसिटेशन के लिए तैयारी करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि लखनऊ से पधारे हैं, आप डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पल्मोनरी मेडिसिन इरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज से यहाँ पधारे हैं, आपका भी हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, स्वागत करते हैं।